हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि है पेयर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। तो चलिए देखते हैं कि इन दो पैटर्न्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं वो है पेयर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। तो ये दोनों ही पैटर्न जो है वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, मतलब टू कैंडल्स के फॉर्मेशन से बनते हैं। तो पेयर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, पेयर्सिंग पैटर्न जो है हमारा वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और डार्क क्लाउड कवर जो है वो हमारा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये दोनों ही जो पैटर्न बनते हैं वो टू डेज कैंडल से बनते हैं। यानी कि पहले हम पेयर्सिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो हमेशा ही डाउन ट्रेंड में बनते हैं। यानी कि जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के बॉटम में जब एक पेयर्सिंग पैटर्न बनता है तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है ट्रेंड रिवर्सल को। और डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर हमारा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप हमेशा देखते हैं कि अप ट्रेंड में बनते हैं, अप ट्रेंड के टॉप पे बनते हैं। तो आप इधर देख रहे हैं पिक्चर में कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में जाके इस तरीके से जब ये पैटर्न बनता है तो ये एक डार्क क्लाउड कवर कहलाता है। और ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जब बनता है तो क्या शो करता है, ट्रेंड रिवर्सल शो करता है। यानी कि अब अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सेलर्स जो हैं अब मार्केट पे हावी होने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पैटर्न ये बनते किस तरीके से है, 100% इसकी एक्यूरेसी कैसे होती है। तो आप देख रहे हैं पियर्सिंग पैटर्न में सबसे पहला एक बेयरिश कैंडल बनता है, एक बेयरिश रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल बनने के बाद फिर सेकंड कैंडल जो है हमारा एक ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल बनता है। अब ये तो ठीक है, दो कैंडल्स के फॉर्मेशन से बन गया, एक इसमें रेड कैंडल है यानी कि एक बेयरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। बट इनके अलावा भी इसमें क्या और स्ट्रैटेजीज हैं या क्या और फंक्शंस हैं जो हमको देखना है और फॉलो करना है कि ये 100% पियर्सिंग पैटर्न, मतलब एक रेड और ग्रीन कैंडल के बन जाने से कोई भी पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न नहीं कहलाता। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो हम देखते हैं इसमें कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पियर्सिंग पैटर्न में सबसे पहली बनेगी आपकी एक लार्ज साइज बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल बनने के बाद क्या होगा, आपका जो सेकंड डे कैंडल बनेगा वो एक बुलिश कैंडल बनेगा। और बुलिश कैंडल कब बनेगा, एक गैप डाउन के बाद जब एक आपका बुलिश कैंडल बनेगा। देख रहे हैं आपकी ये आपका रेड कैंडल का एज यू ऑल नो कि रेड कैंडल है यहाँ पे, तो ये इसका क्लोज प्राइस है और ये इसका ओपन प्राइस है, ये इस लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है मैंने। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैंडल जो है ये रेड कैंडल बेयरिश कैंडल बना है, उसके बाद एक नीचे आप ये देख रहे हैं ये एक गैप डाउन है यहाँ पे जो है आपकी, गैप डाउन के बाद जब आपका कैंडल जो है सेकंड ओपन हो रहा है तो वो एक गैप डाउन के बाद कैंडल जो है वो ओपन हो रहा है। तो अब और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है वो क्या है कि जब आपका बेयरिश कैंडल है वो 50%, मतलब जो सेकंड आपका कैंडल है वो कहाँ क्लोज होगा, इसके 50% के ऊपर जो है वो क्लोज होगा। ये आपका ग्रीन रेड कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, तो ये इसका
आप देख रहे हैं अगर ये 100% इसका बॉडी है तो ये इसका 50% है, तो जब 50% के ऊपर ये क्लोज हो रहा है तो क्या होगा, ये आपका परफेक्ट एक पियर्सिंग पैटर्न बनेगा। पॉइंट्स आपके जो नोट करने वाले हैं इसमें कि पहला कैंडल आपका बियरिश कैंडल होगा, फिर सेकेंड डे जो आपका कैंडल बनेगा वो एक गैप डाउन के बाद एक कैंडल बनेगा, और जो इसका क्लोज होगा सेकेंड कैंडल का वो फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होगा। तो ये था पियर्सिंग पैटर्न के अंदर, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमेशा हमको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। फिर सेकंड पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, तो सेकंड हमारा डार्क क्लाउड कवर है जो कि हमको अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। और अप ट्रेंड में क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, तो पहले आपका एक लार्ज साइज ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगा। बुलिश कैंडल बनने के बाद सेकेंड डे जो आपकी कैंडल बनेगी वो गैप अप पे बनेगी, गैप अप पे ओपन होगी। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, जो आपका क्या कहते हैं फर्स्ट कैंडल है इसके 50% के नीचे ये जो है सेकंड कैंडल क्लोज होगी, तो ये आपका एक परफेक्ट पैटर्न कहलाएगा कि आपने एक परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट डे कैंडल जो आपकी बनती है वो एक बुलिश कैंडल बनती है। बुलिश कैंडल बनने के बाद क्या होगा, सेकेंड डे की जो आपकी कैंडल बनेगी वो एक गैप अप पे बनेगी, गैप अप पे आपका एक बियरिश कैंडल बनेगा, और जिसका क्लोजिंग क्या होगा फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे जब आपकी ये कैंडल क्लोज होगी, तो इसको हम एक परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। और ये हमेशा ही आपको अप ट्रेंड में यानी कि ट्रेंड के टॉप पे देखने को मिलेगा, और ये ही इसके 100% एक्यूरेसी के पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो और ये क्या शो करता है, ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है कि जैसे अब अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है और अब एक डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग होने वाली है। और इसमें अगर आप थर्ड कैंडल, एक और आपको बेयरिश थर्ड कैंडल देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अब जो है ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो इन दो पैटर्न्स में इतना ही था, अभी और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि आपको सिग्निफाई करते हैं कि कितना ट्रेंड रिवर्सल कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही था, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।